हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंजलि रसोई दिल से में स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी ऑथेंटिक सिंधी कढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाऊंगी। कई लोग इसमें अलग तरीके से कुछ और वेजीज डालते होंगे। मैंने लिए हुए हैं ड्रमस्टिक्स, टमाटोस, अरवी, लौकी, भिंडी छोटे साइज के 3 पमल, बैगन, आलू। इन सारी सब्जी को मैं वॉश करके, पील करके अच्छे से एक से शेप में कट कर लूँगी। यू कैन सी मैंने सारी सब्जी को पील कर लिया है और कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। टमाटर को मैं बाद में प्यूरी बना के यूज़ करूँगी। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है ऑयल। एक्चुअली जो मेरी सब्जी है लाइक भिंडी, अरबी और पटेटो, इसको मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा सॉटे करूँगी, थोड़ा सा सैलो फ्राई करूँगी, देन उसमें मैं उसे डालूँगी। देखिए हमारी जो फ्राई पैन है वो उसका ऑयल है गर्म हो चुका है। इसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाली है और उसे मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी जिससे कि थोड़ी सी वो अच्छे से फ्राई हो जाए। यू कैन सी हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी हैं। इसे मैं निकाल लूँगी, देन मैं इसमें डालूँगी कटी हुई अरबी जिसे हम घुइयां भी बोलते हैं, और इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी और इसे भी अच्छी तरह से सॉटे कर लूंगी। मैं सारी सब्जी इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम में सॉटे कर ले रही हूँ। देन मैं इसमें डालूंगी बैगन, इसको भी अच्छी तरह से सॉटे कर लूंगी। देख सकते हैं आप, बैगन भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पटेटो, जी हाँ आलू। कई लोग आलू को नहीं फ्राई करते हैं, बट मैं हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए उन्हें फ्राई करती हूँ, देन मैं उसमें डालती हूँ। अब मैंने एक बड़ा वाला पतीला लिया है जिसमें डाला है तेल और उसमें डाला है 1 स्पून भर के मेथी, जीरा, खड़ा हरा धनिया, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और डालिए हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालें और यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 कलछड़ी भर के बेसन। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से भूंजेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, अदरवाइज आपका बेसन जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से हमें इसे भूंजना है, तेल में ही अच्छी तरह से भूंजेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद जो हमारा बेसन है उसका कलर चेंज हो चुका है और वो भुन चुका है। अब मैं इसमें हल्का गुनगुना पानी डालूंगी। मैंने करीब 2 लोटे भर के इसमें पानी डाला है, या ग्लास से नापे तो 4 ग्लास मैंने पानी डाला है। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी लाइक हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये घर का कुटा हुआ धनिया पाउडर है। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया हुआ है। इसके बाद डालेंगे सॉल्ट, आप सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे 4 से 5 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें ड्रम स्टिक डाले हैं और 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ी है इसमें अच्छे से उबाला आने लगा है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी आलू, मैंने आलू डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने जो भी सारी वेजीज को फ्राई करके रखा हुआ था सारी वेजीज मैं 1 बाय 1 करके डाल दूंगी। मैंने सारी वेजीज को 1 बाय 1 करके डाल दिया है। अब मैं इसे कम से कम 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में पकने दूंगी। अभी मेरी गैस की फ्लेम मीडियम है। इसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी डाला है, मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के डाला है, आप कट करके भी डाल सकते हैं। इसे अब अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें अच्छे से बॉईल आने देंगे। इसके बाद मैंने डाला है ग्रीन चिली। अभी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मेरी कढ़ी को उबलते हुए, मैं 10 से 5 मिनट और 5 से 10 मिनट और उबालूंगी इसे।
ये देखिए, इसके बाद मैंने डाला है कसा हुआ अदरक। आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी सिंधी कढ़ी है उसकी जो ग्रेवी है उसमें अच्छे से ग्रेवी, पानी वाली ग्रेवी होती है, उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होने लगी है। उसके बाद कढ़ी है तो खटास के लिए हमने डाला है इमली का पल्प, इमली का पानी और हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी जो सिंधी कढ़ी उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी सी होने लगी है और इसे अच्छे से चलाएंगे। और ये देखिए जो हमारी गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और हमारी सिंधी कढ़ी रेडी है। आप इसे पापड़ और मैंने चने की दाल की बिरयानी के साथ इसे सर्व किया है। और मेक श्योर हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।